आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेष अधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। आपको बता दें, दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद पर यह कार्रवाई हुई है। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों की मंजूरी के बिना उनकी सदस्यता वाली समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब विशेष अधिकारी समिति इस मामले की जांच करेगी। विशेष अधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने वीडियो के माध्यम से अपनी बात को सामने रखा है। पहले आप वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हाँ, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिसेज आ चुके हैं, शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपी को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो आरोप, जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है, यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए, लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का, एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछाल कर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।